यह है लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज यह वीडियो सीरीज उनके लिए है जो कंप्लीट कोर जावा सीखना चाहते हैं यह इस वीडियो सीरीज का वीडियो नंबर 58 है इस वीडियो में हम थ्रोस क्लॉज के बारे में समझेंगे सो वेरी फर्स्ट लेटस्ट डिफाइन वट इज थ्रोज क्लॉज थ्रोस क्लॉज इज यूज टू फॉरवर्ड द चेकड एक्सेप्शन टू द कॉलिंग मैथड थ्रोस क्लॉज से हम किसी भी चेकड एक्सेप्शन को कॉलिंग मेथड में फॉरवर्ड करते हैं अब हम इसे थोड़ा डिटेल में समझें as we know if there is a possibility of checked exception in our program so हमारा प्रोग्राम जो है कंपाइल नहीं होता है प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करते हैं तो हमें एक एरर मैसेज शो होता है जो यहाँ पे दिखाया गया है जिसमें लिखा है एरर अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन और उसके बाद चेकड एक्सेप्शन का नाम लिखा हुआ आएगा जैसे यहाँ पे आईओ एक्सेप्शन लिखा हुआ है देन मस्ट बी कॉट और डिक्लेअर टू बी थ्रोन यह एरर शो होगी और प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा अब यदि हम चाहते हैं कि प्रोग्राम कंपाइल हो तो हमारे पास में दो तरीके हैं पहला तरीका या तो हम ट्राई केच प्रोवाइड कर दें जब हम ट्राई केच प्रोवाइड करते हैं तो एक्चुअली हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं या फिर दूसरा तरीका है हम जो चेकड एक्सेप्शन है उसको मेथड की थ्रोस क्लॉज में लिख दें जिसको हम बोलते हैं डिक्लेयर टू बी थ्रोन ओके पर जब हम चेक एक्सेप्शन को थ्रोज क्लॉज में लिखते हैं यानी हम एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर रहे हैं अपितु तो एक्सेप्शन को फॉरवर्ड कर रहे हैं अब इन दोनों को हम प्रोग्रामेटिकली समझे इसके लिए हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है जिसमें क्लास डेमो क्रिएट किया और उस डेमो क्लास के अंदर तीन मेथड है एक मेथड है मेन मेथड एक है एम मेथड और एक है एम मेथड यहाँ पे जो एम मेथड है उस मेथड में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है जो है int आई इक्वल सिस्टम डॉट इन डॉट रीड अब हम जानते हैं कि सिस्टम डॉट इन डॉट रीड मैथड जो कि एक कैरेक्टर को रीड करने के लिए हमें जावा ने प्रोवाइड की है यह एक चेकड एक्सेप्शन जो कि आईओ एक्सेप्शन है वह जनरेट कर सकती है यानी यह जो कोड हमने लिखा हुआ है सिस्टम डॉट इन डॉट रीड वाला यह चेकड एक्सेप्शन आईओ एक्सेप्शन को जनरेट कर सकता है अब यदि हमारे प्रोग्राम में यह चेक एक्सेप्शन को जनरेट करने वाला कोड है तो फिर जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो हमें एरर शो होगा यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम इस प्रोग्राम को जावा सी, जावा सी डेमो डॉट कमांड देकर कंपाइल करेंगे तो हमें एरर शो हो रहा है अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन आईओ एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू तो बी थ्रोन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यह जो एक्सेप्शन है वह रीड मेथड की वजह से जनरेट हो रहा है उसी लाइन में जनरेट हो रहा है नाउ अब हमारे पास में दो तरीके हैं या तो हम इस सिस्टम डॉट इन डॉट रीड मेथड को ट्राई कैच प्रोवाइड कर दें या फिर इसे थ्रोस क्लॉज में मेंशन कर दें अब यदि हम इसको ट्राई कैच प्रोवाइड करते हैं यानी रीड मेथड को हमने ट्राई के अंदर लिखा और वहां पर कैच में हमने मेंशन कर दिया आई वो एक्सेप्शन सो यहाँ पे आपने रीड मेथड से जनरेट होने वाला आई एक्सेप्शन हैंडल कर दिया है इफ द एक्सेप्शन इज हैंडल नाउ देर इज नो प्रॉब्लम इन द प्रोग्राम यानी प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करेंगे जावासी कमांड दे के तो यह कंपाइल हो जाएगा इवन जब इसको रन करोगे तो रन भी हो जाएगा यानी जब हम रन करेंगे तो मेन मेथड पहले कॉल होगी मेन मेथड ने एम वन मेथड को कॉल किया तो एम वन मेथड कॉल होगी एम वन मेथड में हमने एम टू मेथड को कॉल किया तो एम टू मेथड कॉल होगी और इसमें जो भी कोड लिखा हुआ वो चलेगा यानी एक करेक्टर जो है वो रीड हो जाएगा अब यदि हम ट्राइकेज प्रोवाइड न करके थ्रू क्लॉज के थ्रू यदि इस कंपाइल टाइम एरर को हटाना चाहे तो कैसे क्या करेंगे देखें सब पे देखें रीड मेथड जो कि आईओ एक्सेप्शन एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है उसको जब हम कंपाइल करेंगे तो फिर से एरर शो हो जाएगा तो अब मैंने उस कंपाइल टाइम एरर को हटाने के लिए यहाँ पे एम टू मेथड क्या लिखा हुआ थ्रोज आई वो एक्सेप्शन ध्यान से देखें जो रीड मेथड है जो कि चेकड एक्सेप्शन जनरेट कर सकती है वह एम टू मेथड में है सो एम टू मेथड में ही हमें थ्रोस क्लॉज में आई एक्सेप्शन लिखना पड़ेगा अब जब इस प्रोग्राम में हमने इस तरीके से कोड लिखा ध्यान रखिएगा जब हमने ट्राई केज दिया था तो फिर कंपाइल होना शुरू हो गया था बट अब मैंने ट्राई केज न देखे थ्रोज क्लॉज में लिख दिया है थ्रोज आई वो एक्सेप्शन नॉट वुड इसको कंपाइल करेंगे से देकर, so हो रहा है। बट इस बार जो एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है वह कहाँ पे शो हो रहा है m2 मेथड में यानी अब इस रीड मेथड पे एरर शो नहीं हो रहा है बल्कि तो m1 मेथड में जिस पॉइंट पे हमने m2 को कॉल किया वहां पे एरर शो हो रहा है यानी हमने थ्रोज़ आईवो एक्सेप्शन लिख के इस चेक्ड आईवो एक्सेप्शन को m2 मेथड को जहां पे कॉल किया जाएगा वहां पे फॉरवर्ड कर दिया तो अब इस पॉइंट पे एरर शो होना शुरू हो गया या तो हमारे पास एक तरीका है कि इस M2 टू मेथड को हम ट्राई कैच प्रोवाइड कर दें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी किंतु यदि आपने ट्राई कैच नहीं दिया यानी M1 में हमने थ्रोस क्लॉस दे दिया ओके okay? तो यहाँ पे जब थ्रोस क्लास दोगे तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह फिर एक्सेप्शन को फॉरवर्ड करेगा यानी जहाँ पर m1 को कॉल किया गया वहाँ पे एरर आना शुरू हो जाएगा तो देखिए जब इसको हम कंपाइल करेंगे सो अब एरर आना शुरू हो गया जहाँ पे m1 को कॉल किया है वहाँ पे यानी मेन मेथड में m1 को कॉल किया है यहाँ पे एरर आना शुरू हो गया सो so, कहने का मतलब है कि यहाँ से एम मेथड में जो कि एम मेथड को कॉल कर रही थी

ना, यदि हम मेन मेथड के आगे थ्रोस क्लास लिख देते हैं कहीं ना कहीं से हम इस चेक एक्सेप्शन को फॉरवर्ड कर रहे हैं मेन मेथड को जीवीएम कॉल कर रहा है तो exception को हमने को forward कर दिया। ध्यान यहां पर एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुआ है क्योंकि पूरे इस कॉलिंग स्टेक में हमने कहीं भी आईओ एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए ट्राई केस प्रोवाइड नहीं किया है यानी इस केस में यदि इस रीड मेथड की वजह से एक्सेप्शन जनरेट होता है तो वह एक्सेप्शन पहले एम वन मेथड में जहां पे हमने एम टू को कॉल किया वहां पे फॉरवर्ड होगा फिर यहां से हमने एम वन मेथड से भी फॉरवर्ड कर दिया तो एम वन मेथड को हमने कॉल किया हुआ है मेन मेथड में तो मेन मेथड में जिस पॉइंट पे हमने एम वन को कॉल किया है वहां पे एक्सेप्शन फॉरवर्ड होगा और यहां से हमने फिर से थ्रोस कर दिया मतलब एक्सेप्शन को फॉरवर्ड कर दिया जो कि जे को फॉरवर्ड हुआ है क्योंकि मेन मेथड को जे कॉल करता है तो यह एक्सेप्शन जे को फॉरवर्ड कर दिया अब जे एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेगा और एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा हालांकि यदि रीड मेथड एक्सेप्शन थ्रो नहीं किया तो हमारा प्रोग्राम नॉर्मली चलेगा यहाँ पे जैसा मैंने बोला कि जावा दे के कंपाइल करेंगे तो अब कंपाइल तो हो जाएगा और रन करने के केस में रन भी हो जाएगा जैसे यहाँ पे रन हो चुका है देर इज नो प्रॉब्लम किंतु जैसा मैंने बताया कि यदि एक्सेप्शन जनरेट हुआ तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होगा बट यदि हमने मेन मेथड में

ओके सो इन दिस वे वी लर्न दैट व्हाट इज द यूज ऑफ थ्रोज क्लास कोर जावा के अन्य कंसेप्ट को समझने के लिए आप इस लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज के अन्य वीडियोस भी देखें और कोर जावा से रिलेटेड कोई भी डाउट यदि आपके पास में है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो